हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है मेरे पास जो गाड़ी है अल्टो है, बराबर। अभी होता क्या है, जब भी मैं कभी लॉन्ग ड्राइव पर जब जाता हूँ ना, तो इतना अनकंफर्टेबल होता है। मैंने अपनी और भी वीडियोस में बताया है, तो वो प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने कई बार कुछ चीज़ देखी, तो मैंने एक चीज़ मंगाई है, जो कि हमारी गाड़ी में जो सीट होता है उस पर कुशन जो है मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के लिए मंगाया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, तो उनमें से एक मंगाया, वो भी मैंने परेशान होकर मंगाया कि क्योंकि जब मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव एक्चुअली जब मैं करता हूँ ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और तो जो अब है प्रोडक्ट हमारा, वो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। जो मैंने मंगाया अमेज़ोन से, वो है ये, देखो ये है हमारा कुशन, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको, चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप देखो कि ये जो हमारी ड्राइविंग सीट है, अभी मेरी हाइट जो है ना वो 5'11" है, मतलब 5'11" है, ठीक है। अभी होता क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शहर वगैरह में आप चलाओगे इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग ड्राइव पे, जब लॉन्ग जर्नी करते हो ना, तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, सब कुछ चल जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो कॉर्नर वाला है, ये और ये जो कॉर्नर वाला है, ये प्रॉब्लम करता है जब आपका जो लेग एरिया जो यहाँ पे होता है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ये, ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे ये उठा हुआ है। अब होता क्या है कि ना तो ये थोड़ा सा वाइड है और ना थोड़ा सा नैरो है, तो ये यहाँ पे ना प्रॉपर हीट करता है बहुत ज़्यादा। जब आप चलाते हो ना, आपने खुद फील किया होगा, फिर ये क्या करता है, यहाँ पे भाई साहब पेन होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अभी मैंने ये जो मंगाया है प्रोडक्ट, ये है आपका कुशन, ठीक है। अब ये अमेज़ोन से मंगाया है, इसकी जो कीमत है वो है भाई 1000 रुपये, जो ये पड़ा है डिस्काउंट करने के बाद। अभी आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मेरे को यूज़ करते करते ना कम से कम महीने भर से ऊपर हो गया है, तो इतना टाइम से यूज़ करने के बाद ना, आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद का सौदा है, ठीक है। क्या मतलब, ये सच में फ़ायदेमंद भी है, या मतलब सिर्फ खाली देखा, प्रोडक्ट मंगाया और यूज़ किया, दो तीन किया और फिर इसको घर में पड़ा करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखो आप लोगों को मैं ना इसको खोल के थोड़ा सा दिखाता हूँ, तब आप लोगों को पता लगेगा एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या। देखो ये जो है ना, इसका कवर मैंने खोल दिया, चैन वाला है। अभी ये क्या है, बहुत सी जगह क्या होता है कि सिंगल साइड, एक साइड ही क्या होता है कि आपका हनीकॉम टाइप पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें होता है, लेकिन ये क्या है, दोनों साइड में, आप इसको बोथ साइड, आप चाहे इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बराबर। अगर आप लोगों का वेट अच्छा खासा है ना, फिर भी मतलब मुझे शुरू में डाउट था कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या हुआ, महीना भर से यूज़ हो गया करते करते, आज मैंने खोल के भी पहली बार देखा है। और देखो इसकी हालत, अभी आपके सामने जो है ना, ये पूरा पैटर्न जो है आपके सामने बना हुआ है, और सीरियसली मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ये है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। देखो अभी इसका आप साइज़ देख लो, ये देखो ये अल्टो गाड़ी है, अल्टो गाड़ी के हिसाब से इसका साइज़ एक्चुअल में कितना है, देखो ये इस सीट में भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। अभी शुरू में जब मैंने इसको यूज़ किया ना, आप एक चीज़ नोट करना, देखो ये जो आपकी जो हाइट है ना, देखो ये इंक्रीज़ हो जाती है थोड़ा सा बैठ के, ठीक है, तो जो आपकी जो ड्राइविंग पोजिशन है ना, वो थोड़ी सी अप जो है अपलिफ्ट हो जाएगी। शुरू में आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं, मतलब अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक डेली हैबिट जो आपकी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा भी जब चेंज आता है ना, बहुत अटपटा सा लगता है। अभी क्या हुआ, जब मैं उस पर बैठा ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी SUV में बैठ गया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना हाइट बढ़ी है, ठीक है, ये अराउंड मान के चलो आप 2.5 इंच के करीब जो है ना, इसका जो है हाइट इंक्रीज़ हुई है। तो शुरू में मतलब बहुत अनकंफर्टेबल लगा, शुरू में मुझे लगा भी यार ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने एक दो बार निकाल के गाड़ी चलाई, लेकिन फिर मैंने सोचा जब पैसा लगाया इसको यूज़ करके देखना चाहिए। अब देखो मुझको इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि आपकी अपराइट पोजीशन तो हो गई है, दूसरा मेरे को सिर्फ इसका एक ये फ़ायदा लगा जो आया है, वो मैं आपको बताया कि ये जो मेरे को यहाँ पेन होता था ना, इस जो साइड वाला है, ये मेरे को पेन होना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि ये अपलिफ्ट हो गया, ये देखो ये जो पोजीशन है ना अपलिफ्ट हो गई है, तो ये जो है अब चुभती नहीं है। तब जब लॉन्ग ड्राइव पे क्या होता है, इसको मैं आराम से क्या होता हूँ, अब ये जो सीट है ना थोड़ी सी पीछे की तरफ करके आराम से बैठता हूँ मैं, और मतलब सच में बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और गर्मी में स्पेशल है, क्योंकि आप पता है कि नीचे क्या होता है, जब आप यहाँ बैठते हो ना, स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी तरह से मैंने फील किया है, कोई स्वेटिंग वगैरह की मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब तो फ्री मौसम अच्छा हो गया, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसका जो आपका यूज़ करने का जो मेन अगर एजेंडा ये है कि आपको लगता है कि पैर वगैरह में दर्द नहीं होगा, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट, बट आपको शुरू में थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल सा लगेगा। अगर आपको साइड का पेन की वजह से आप ये देख रहे हो तो भाई अच्छा है, लेकिन आप देखो इसकी अगर ये जो विड्थ होती है ना थोड़ी सी चौड़ी होती है अगर, और
तो मजा आ जाता। ठीक, और ऊपर से एक फायदा ये भी है कि आपकी जो सीट है ना, कुछ टाइम बाद आपको पता है यहाँ पे गड्ढा सा बनने लग जाता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो वो भी आपकी जो सीट है भाई वो भी प्रोटेक्ट हो रही है। एक प्लस जो आपको एज मिल जाता है वो ये आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ में मुझे फीडबैक शेयर करना था इसका, सीट कवर का। अगर आप लोगों को ये कुशन देखना है आप देख सकते हो जाके, अमेजोन वगैरह पे आराम से दिख जाएगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।